नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। इस साल जुलाई पिछले 100 सालों में रिकॉर्ड भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। वहीं नासा के क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने कहा है कि जुलाई 2023 संभवतः सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों में सबसे गर्म महीना रह सकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2024 में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। जर्मनी के लिपजिग विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के कई जगहों पर पड़े भीषण गर्मी का धरातल और सैटेलाइट के लिए गए आंकड़ों का अध्ययन किया है। जुलाई का महीना खत्म होने वाला और अगस्त महीना शुरू होने वाला। 1 अगस्त से पैसों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सरकार की तरफ से हर महीने के शुरुआत में एलपीजी के दाम निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव कर सकती है। ये कंपनियां हर महीने की 1 और 16 तारीख को एलपीजी की कीमत में बदलाव करती हैं। इसके अलावा पीएनजी और सीएनजी के रेट में भी बदलाव हो सकता है। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच असम में करवाने का अनुरोध भी किया है। हलफनामे में केंद्र ने कहा है, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। बिहार के दरभंगा में 27 जुलाई शाम 4 बजे से 30 जुलाई शाम 4 बजे तक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत 22 सोशल मीडिया ऐप बैन पर रहेंगे। साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिन सोशल मीडिया ऐप पर तत्काल रोक लगाए गए उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, स्काइप, वीचैट, टेलीग्राम, स्नैपचैट, क्यू जोन, ट्यूबलर, पिंटरेस्ट, रेडिट, वेदू, स्नैपचैट, यूट्यूब, वाइबर, लाइन, विंक, ब्योनेट, फ्लिकर, एक्सेंगा, क्यूक्यू और मैसेजिंग सेवाएं स्थगित रहेंगी। एक बार फिर चीन ने चालबाजी दिखाई है। उसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल में शामिल अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट्स को स्टेपल वीजा जारी किया है। चीन के इस फैसले के विरोध में भारत ने चेंगदू में शुक्रवार से शुरू होने वाले यूनिवर्सिटी गेम्स से अपनी पूरी वुशु यानी मार्शल आर्ट टीम को वापस ले लिया। बिहार में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि अधिकारी बड़ा है या मंत्री। शिक्षा मंत्री और विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद के बाद पूरे 22 दिनों तक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने दफ्तर नहीं गए। शिक्षा विभाग का निर्णय के पाठक ले रहे हैं और मंत्री आवास से फाइलें निपटाई जा रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने विभाग के कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि शिक्षा मंत्री और एसीएस के पाठक के विवाद के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को 6 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए भेजा था, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं बदलता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैंसर, संक्रामक रोगों और हृदय संबंधी रोगों के उपचार की दवाएं आवश्यक सूची में शामिल होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आवश्यक दवाओं और बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं की सूची में संशोधन कर इन सभी दवाओं को नई सूची में स्थान दिया है। सदस्य देशों के साथ उसे साझा करते हुए WHO ने कहा है कि नई सूची के उद्देश्य स्पष्ट नैदानिक लाभ दिखाने वाले नवीन दवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाना है। WHO समय समय पर आवश्यक दवाओं की सूची में संशोधन कर इसे अपने सदस्य देशों के साथ साझा करता है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया से भारत भी शामिल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2021 में दुष्कर्म और हत्या के शिकार नाबालिग दलित लड़की की पहचान उजागर करने वाले सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पीड़िता की पहचान की रक्षा करने वाले कानून का उल्लंघन किया है। बाल अधिकार निकाय ने पीड़िता के माता पिता के साथ एक तस्वीर प्रकाशित करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दायर कर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उत्तराखंड के 5 वर्षीय तेजस तिवारी शतरंज की वैश्विक संचालन संस्था फिडे की रेटिंग हासिल करने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी फिडे स्टैंडर्ड रेटिंग 1149 है। फिडे के अनुसार तेजस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में पहली दिवंगत धीरज सिंह रघुवंशी ओपन फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट के दौरान अपनी पहली रेटिंग हासिल की। चीप के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए $10 अरब के प्रोत्साहन और सहयोग से भारत एक दशक में सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। देश 10 साल में वह हासिल कर लेगा जो चीन 3 दशक में भी नहीं कर सका। बता दें कि इस बात की जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दी गई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के भोज पर अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दिल्ली के एक होटल में सभी सांसदों को रात्रि भोज दिया था। बिहार के सभी 40 लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद को डिनर का निमंत्रण दिया गया था। राज्यपाल के इस भोज में NDA के तमाम सांसद तो शरीक हुए, लेकिन RJD और JDU के सांसदों ने किनारा कर लिया।
वर्ल्ड कप 2023 का इंतजार हर क्रिकेट फैंस को बेसब्री से 5 अक्टूबर से इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। सभी मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप को लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। बीसीसीआई सचिव जैसा ने भी इस बीच स्टेडियम में आकर मैच देखने वाले दर्शकों को बड़ी खुशखबरी दी है। जैसा ने कहा है कि वर्ल्ड कप 2023 में स्टेडियम में आए हुए दर्शकों को फ्री में पानी पिलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए कोका कोला कंपनी से कोलाबरेट किया है। वह हर जरूरतमंद दर्शक को फ्री में पानी की बोतल उपलब्ध करवाएंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के 430 सांसदों के साथ अलग अलग समूहों में मुलाकात करने का फैसला किया है। एनडीए सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर एक मेगा कार्यक्रम तय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई से एनडीए सांसदों के साथ मुलाकात करने का सिलसिला शुरू करेंगे और यह 10 अगस्त तक चलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर की बिटिया फलक की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर अवार्ड के सेमीफाइनल राउंड में एंट्री मारी है। चंपारण मटन फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी है। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस समेत कई देशों के बीच यह भारत की एकमात्र फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड कैटेगरी में सफलता मिली है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत लंबे समय से होती आ रही है। करीब 2 दशक से इस मांग को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सभी दलों के नेताओं ने आवाज उठाया। सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चर्चा की। वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी कई बार चुनावी सभाओं में इसकी चर्चा कर चुकी है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जदयू और आरजेडी केंद्र पर बिहार को लेकर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की कि अगले 3 साल यानी 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। पहले अनुमान लगाया गया था कि भारत यह मुकाम 2029 में हासिल करेगा, लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले जताए गए अनुमान से 2 साल पहले ही बन सकता है। 2 दिनों के गुजरात के दौरे पर आए पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एक सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सेमीकॉन इंडिया 2023 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के दिग्गज से एक पैनल चर्चा के जरिए भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के अवसरों को सामने रखने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और आकर्षक व्यवसायिक संभावनाओं के जरिए सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रगति को रफ्तार देना है। 30 जुलाई को खत्म होने वाले 3 दिनों के सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर चिप डिस्प्ले फैब चिप डिजाइन और असेंबलिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञ भारत में उभरते अवसरों पर अपने ज्ञान और नजरिए को साझा करने के लिए दुनिया के हर कोने से इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। वो लगातार पड़ोसी देशों के अलावे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन की गुहार लगा रहा है। हालांकि अभी तक उसे IMF की तरफ से लोन की मंजूरी दी गई है, पर पैसे नहीं मिल सके हैं। इसी मुद्दे पर पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नेता और एक्सपर्ट साजिद तरार से बात की। साजिद तरार ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भारत की इजाजत के बिना IMF पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। भारत में किसानों और व्यापारियों ने अनुमान लगाया है कि अनियमित मानसूनी बारिश होने की वजह से लंबे समय तक सब्जियों की कीमतें ऊंची बनी रहने की संभावना है। बारिश की वजह से सब्जियों के रोपने में देरी होगी और उनके तैयार होने के चरण में के दौरान फसलों को नुकसान होगा। श्रीलंका के कई इलाकों में सामूहिक कब्र में दर्जनों नर कंकाल पाए गए थे। इसके बाद उन कंकालों की जांच की मांग होने लगी। यह मामला भी खत्म नहीं हुआ। श्रीलंका के तमिल बौद्ध उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में शुक्रवार को बंद रहा और श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय तमिल ने उत्तर पूर्वी जिले मुल्ला थीवू में एक कथित सामूहिक कब्र की विश्वसनीय जांच की मांग की है। राज्यसभा में एक बिल जो पास हुआ है जो देश में बन रही फिल्म उनके प्रदर्शन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 के तहत सरकार पायरेसी कल्चर को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है और अब ऐसे मामलों में 3 साल तक की सजा का प्रावधान बना दिया है। इस बिल को अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो ये नियम कानून में तब्दील हो जाएंगे। हेपेटाइटिस बी के 50% मरीज बगैर किसी लक्षण के होते हैं। शुरुआती दौर में इसके संक्रमण की जानकारी होने पर इलाज में आसानी होती है। देरी होने पर हेपेटाइटिस बी लीवर से संबंधित गंभीर रोग का कारण बनता है और संक्रमित की जान भी जा सकती है। KGMU के मेडिसिन विभाग में हुए अध्ययन में सामने आया है कि कुल मरीजों में से 52% ऐसे थे जिनके संक्रमण की वजह असुरक्षित तरीके से सेविंग यानी कि दाढ़ी बनाना कराना रही है। इस अध्ययन को जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है, जिसे लेकर सभी विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या मुद्दा होगा, उसको लेकर तैयारियां लगातार हो रही है। वही बैठक को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि देश में लगातार बैठक इंडिया की होगी क्योंकि इस बार एनडीए बना मुद्दा है। हम लोग मुद्दे की राजनीति करें, किस तरीके से देश में बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जो लोग यह कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल उन्होंने देश को ठगने का काम किया है।
एक नए तरह का साइबर अटैक सामने आया जिसमें स्कूली छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। सैन्य स्कूलों के छात्रों को पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटरों से कॉल आने के बाद मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। दरअसल देश भर के आर्मी स्कूलों में पढ़ने वाले कई छात्रों को कथित रूप से पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटरों से कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं जो उनके माता पिता के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपलों द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई। अलर्ट में कहा गया कि जिन नंबरों से छात्रों को कॉल आ रही है उसे सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मांग की है कि संविधान से इंडिया शब्द हटा दिया जाए। उनका दावा है कि यह एक औपनिवेशिक थोपा गया शब्द था जिसने वास्तविक नाम भारत की जगह ले ली। बीजेपी सांसद ने कहा कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है जो हमारे देश में अभी भी है और इसे तुरंत हटा देना चाहिए। सिंगापुर के भारतीय मूल के मंत्री के सनमुगम और विवियन बालकृष्ण ने प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग के भाई ली हिसियन यांग को वकीलों के पत्र भेजकर माफी और मानहानि के लिए जुर्माना मांगा है। यांग के फेसबुक पोस्ट के जरिए मंत्रियों पर राज्य के स्वामित्व और औपनिवेशिक बंगलों के किराए को लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गृह मामलों और कानून मंत्री सनमुगम और विदेश मंत्री बालकृष्णन की भ्रष्टाचार विरोध जाँच हुई थी जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। मणिपुर घटना को लेकर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के सांसद का एक प्रतिनिधि मंडल 29 और 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। इस दौरे को लेकर गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से सांसद व अभिनेता रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जहां जाए वहां जा सकते हैं, उन्हें पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा संबंधित एक याचिका पर यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि अदालत इस बात की निगरानी नहीं कर सकती कि यातायात को कैसे नियमित किया जाए और निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाने चाहिए क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है। याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एसके कॉल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ में आई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ को बताया कि याचिका सड़क सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिए थे। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, नौसाद अंसारी, रविशंकर अंशुप्री। आप बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।